Deepali Phadnis from Mrs. India Pageants. And today we are in beautiful valleys of Manali. As you can see, we are surrounded by these beautiful valleys of Himanchal Pradesh. And we are amidst of these beauties. And we have one more beauty with us today, Kalpana Thakur, who is from Himanchal Pradesh and who has won class in Mrs. India 2017. Today she is going to teach us authentic recipes of Himanchal Pradesh, which are not only tasty, yummy and authentic from Himanchal Pradesh, Manali, but they are very diabetic friendly. So welcome Kalpana ji. Thank you, today what you're going to teach us, you know, what are the authentic recipes of local dish of Siddu. So it is very healthy dish. लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा फ्यूजन किया है ताकि वो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजफुल हो. अच्छा, तो आपने बेसिकली जो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट था उसको माइनस करके आपने हेल्दी एडिशन कर दिया है. अच्छा, तो आप क्या बनाने जा रही हैं अब? आज मैं सिड्डू बनाऊंगी. हाँ, सिड्डू बनाऊंगी. आप कैसे बनाया जाता है? और तिल की चटनी और एप्पल टी. अच्छा, तो सिड्डू क्यों आपने सिड्डू क्यों चुना? सिड्डू इसलिए चुना क्योंकि वो तो यहाँ का लोकल हिमाचल का और साथ में ये ऑयल फ्री है. अच्छा, जो हमें ऑयल चाहिए उसके अंदर अगर फिलिंग करेंगे उससे हमें नेचुरल ऑयल मिलेगा. अच्छा, जो हार्ट के लिए भी हेल्दी है और जो इंग्रीडियंट्स हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करेंगे. अच्छा, तो ये हेल्दी है. अच्छा, तो हम लोग आज तीन डिशेस सीखने जा रहे हैं विच आर डायबिटिक फ्रेंडली एंड दैट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर डायबिटीज एट द सेम टाइम वेट मैनेजमेंट बिकॉज वेट इज द मेन रीजन develop a diabetes. So today we are going to learn recipes from beautiful Kalpana Thakur which are very healthy and diabetes friendly. So we are going to learn Siddu, Til ki chutney and apple tea. So all these are hot and piping hot recipes are very going to be very delicious in this, you know, chilling climate of Manali. So stay tuned. Okay, jo hum use kar rahe hain walnut, मेथी दाना, रेड चिली, सॉल्ट, फ्लोर एंड अजवाइन. हाँ, ठीक है. और ईस्ट, आटा, अजवाइन और पानी के साथ हमने इसको एक डो बना लिया है और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दे दिया. रेस्ट करके ये फर्मेंट हो गया. अब देखिए ये काफ़ी फुला फुला नज़र आ रहा है आपको. और मैंने क्या किया है, अखरोट और मेथी दाने को पानी में भिगाया दो घंटे के लिए. इन दोनों के मिक्सचर को मिक्सी में पीस कर ऐसे तैयार कर लिया है. इसमें मैंने चॉप्ड ऑनियन ऐड किया है और सॉल्ट डाला है. ये रही हमारी फीलिंग्स. अब ये दोनों को यूज़ करेंगे. मैं ये डो लूँगी. डो को हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे. बाद हम जो फिलिंग बनाई है अखरोट और मेथी दाने की सॉल्ट के साथ इसको फिल करेंगे. ये अच्छे से चारों तरफ हम फिल कर लगा देंगे इसको अच्छे से ताकि खाते वक्त हमें हर एक बाइट में इसके चंक्स आए अखरोट के. ये मैं काफी छोटा बना रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही हूँ. अदरवाइज इसको जितना बड़ा बनाना चाहे आप बना सकते हैं. इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है ताकि ये बाहर ना निकले और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है. आप धीरे धीरे करिएगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ. ये जस्ट गुजिया स्टाइल, जैसे आप गुजिया बनाते हैं राजस्थान में हर एक जगह बनता है, इस तरह से बन गया. और इसको हम स्टीम करेंगे. अब मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी. जब भी हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी बॉयल करते हैं तो बर्तन हमारा काला हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें इमली का पल्प डाल दिया है ताकि जब हम बॉयल करें तो ये बर्तन हमारा काला ना हो. ये एक छोटी सी टिप्स थी मेरी तरफ से. ये हमारा स्टीमर है. स्टीमर में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस किया है ताकि इसमें ये चिपके नहीं. इसको मैं रख दूंगी और स्टीम करने के लिए 20 मिनट्स के लिए फायर के ऊपर रखूंगी. तो 20 मिनट्स के बाद ये फर्मेंट होकर अच्छे से स्टीम होकर पक जाएगा. ये तो होगी हमारी सिड्डू. नेक्स्ट रेसिपी है हमारी तिल की चटनी. क्योंकि तिल है और इसमें भी मैंने मेथी दाना यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम डायबिटीज़ वालों के लिए बना रहे हैं. आधा तिल और मेथी दाना दोनों को भूनना है रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली के साथ. इन तीनों को भूनकर मैंने एक पेस्ट बना लिया है. इस पेस्ट में मैं ऐड करूँगी, ये इमली का पल्प है उसका पानी है,
ताकि थोड़ा सा इसमें खटास आए और टेस्ट आए। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा आलू डालूंगी। और अपनी चॉइस के मुताबिक आप धनिया भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में, एक स्पून मस्टर्ड ऑयल में मेथी दाना अच्छे से फ्राई करके इसको भून लूंगी, पका लूंगी अच्छे से। ये रेडी है, वैसे ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको। ये चटनी है। अब मेरा पानी बॉयल हो गया है। अब ये सिद्धू है, इसको मैं स्टीम करूंगी 20 मिनट्स के लिए। थोड़ा गैप देते हैं इसको रखने के लिए, ताकि ये जब पक जाता है तो ये काफी फ्लफी हो जाता है। तो ये 20 मिनट्स के बाद ये बन जाएगा। फिर मैं इसको ऐसे भी खा सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, लेकिन मैं हल्का सा इसमें टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाला है। देखिए मस्टर्ड ऑयल है, इसमें मेथी दाना, और इसमें रेड चिली। अच्छे से जब ब्लैक हो जाएगा मेथी दाना, तो मैं बस ये चटनी, तिल की जो चटनी थी, तिल और मेथी की, ये मैं डालूँ। अब गैस ऑफ कर देंगे, इसको कवर करके रख देंगे, ताकि जो इसका अरोमा है वो इसी के अंदर ही समा जाए। इसको मैं कवर करूँगी। basically made today very healthy version by Kalpana Thakur, jinhone generally ye this is basically the filling is made up of pashto, now she has poppy seeds, but she has replaced that with walnuts to make it very healthy and diabetic friendly version. Now she has used walnuts because walnuts are very rich in omega-3, and because after adding the walnuts we really don't have to add oil, because walnuts itself, they start secreting their oil, and that makes it very crunchy. So along with that, we're going to have this chutney, which is made up of tilki chutney. Generally this is eaten with ghee. Yeah, generally this is eaten with ghee, but because Kalpana ji wanted to make it a very healthy version, we have replaced that ghee and we have added tilki chutney. And after that, what we are going to have, apple tea. Okay, so iske baad hum apple tea piyenge. So should we enjoy this? So Mamta, what you feel? You know, aapne ye kabhi recipe dekha hai iske pehle? Nahi, this is innovative. I have seen this recipe in a different way, but this is a special and different. It is different, and it is healthy, and I think you should have now. रिंकू, आप हिमाचल में रहते हैं, आपने तो मोमोज बहुत बार खाए होंगे, मगर आपने कभी ये वाली रेसिपी खाई है? हाँ, सिद्धू खाया है अलग अलग जगह पर, जैसे हिमाचल में अलग अलग जगह पर सिद्धू अलग अलग तरह से बनाते हैं, बट कल्पना दी ने जो बनाया है, इट्स अ वेरी, जैसे तिल का उन्होंने चटनी बनाया है, ये बहुत ही गर्म होता है, जैसे ठंडी जगह पर ये लोग रह रहे हैं तो हिमाचल में ऑलरेडी ठंड बहुत होती है, तो ये तिल जो है बॉडी को हीट करता है, ये इट्स वेरी मतलब हेल्दी, बहुत ही अच्छा होता है। वॉलनट यूज़ किया है उसने, अखरोट जो यूज़ किया वो भी आपको बॉडी में वार्म करता है, और दूसरी बात है ये जो सारी चीज़ें ना स्टीम्ड है, है ना, इट्स अ वेरी हेल्दी, कोई तेल नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, और बहुत ही अच्छा है। और पहाड़ी में जो लोग रहते हैं बहुत ही कम तेल खाते हैं, और जैसे कि मोमोज, दे आर यूज मोमोज स्टीम ये वाला। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ये वीट से बना है, दिस इज मेड ऑफ वीट एंड इट इज स्टीम। ओके, अलोंग विद दिस वी आर गोइंग टू हैव अ पाइपिंग हॉट एप्पल टी,
which is again the innovation by Kalpana Thakur ji. There is not a single pinch of sugar in it. It is completely made up of organic apple and a natural sugar. If you like, you can add a little bit of honey to it, but basically this is made up of organic apples, so it doesn't require any sugar. And you know, I'm sure ki our beauty queens are going to enjoy this tea because it doesn't have any sugars in it. Thank you. And it's very good for their skin. And the best part of this tea is that this is very diabetic friendly. It gives you the instant energy at the same time, what the punch you require. At the same time, you're not going to feel, you're not going to miss your tea. So this special apple tea by Kalpana Thakur for our beauty queens. Thank you very much. And this piping hot tea in this, you know, this chilly climate of Manali, is that the fun is altogether different. So, one cheers. Cheers. One cheers to Kalpana ji, one cheers.